For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने MBBS की तालीम बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा से हासिल की। उसके बाद मैं पिम्स में आ गया और यहाँ आकर मैंने MD इंटरनल मेडिसिन में किया। और करंटली इस वक्त मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट प्लस चेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट बहुत सारी डिजीज़ेस के साथ डील कर रहे होते हैं, जिसमें चेस्ट की डिजीज़ेस आ गई, पेट की जितनी बीमारियां हैं वो आ गई, शुगर, ब्लड प्रेशर, TB, दमा, इन सारी चीज़ों को हम डील कर रहे होते हैं। अब इन्फेक्शन्स की बहुत सारी किस्में होती हैं और हर इन्फेक्शन के अपने ख़ास साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर अभी हम छाती की बीमारियों की बात करें, अगर किसी इंसान को नमोनिया हो जाता है तो उसमें सबसे पहले उस पेशेंट को बुखार हो सकता है, बुखार के साथ खांसी, सीने में दर्द, रेशे की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को दमा है तो उसके साथ सांस की तंगी की पहली शिकायत होती है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट में हम बात करें कि TB की बीमारी है, तो TB की बीमारी के कुछ ख़ास अलामत होती हैं, जैसे कि सबसे पहले ये हो सकता है कि उसे खांसी और रेशे की अलामत स्टार्ट हो जाएँ। उसके बाद ये होता है कि भूख की कमी स्टार्ट हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम ख़ास तौर पे TB की बीमारी की बात करें, तो पाकिस्तान में वैसे भी ये बीमारी बहुत आम है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये सांस की बीमारी है, खांसने से सांस के ज़रिए ये फैलती है। अब इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी है, WHO इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पाकिस्तान TB कंट्रोल प्रोग्राम ने इस पे काफ़ी काम किया है। इसकी तशखीस भी बहुत आसान है और इसकी ट्रीटमेंट भी अब बहुत आसान है। पहले ये होता था कि हम ये इलाज 9 महीने तक या 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी करते थे, लेकिन अब इसको 6 महीने तक कर दिया गया है। इसकी नई दवाइयाँ भी आ चुकी हैं, जिसके साथ ये बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा अगर अभी हम बात करें एलर्जी की, तो एलर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ लोगों को एलर्जी धुएं से होती है, कुछ को परफ्यूम से, कुछ को पोलन से, जैसे कि अभी आजकल पोलन का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, कुछ को डस्ट एलर्जी होती है। तो हर एलर्जी की ट्रीटमेंट, उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। अब अगर किसी को डस्ट एलर्जी है या किसी को सपोज़ हम पोलन एलर्जी की बात करें, तो पोलन एलर्जी में भी यही होगा, उसे सांस की तंगी स्टार्ट हो जाएगी, छाती में से सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा हल ये होता है कि अगर किसी इंसान को पहले से एलर्जी की बीमारी है, तो सीज़न जब उसे स्पेसिफ़िकली पता होता है कि ये मेरा सीज़न कब आ रहा है जिसमें मेरी सांस की बीमारी बढ़ जाती है, उससे पहले उसे अपने जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है उसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ताकि वो उसे ख़ास किस्म की एंटी एलर्जीज और कुछ ऐसे ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जिसकी वजह से सांस की नालियाँ थोड़ी सी खुली हो जाती हैं और उनके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। तो उन्हें कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ताकि इन दवाइयों को टाइमली स्टार्ट किया जाए, ताकि ओरल मेडिसिन पे ही जो खुराक है उसी से मरीज़ ठीक हो जाए, बजाय इसके कि उस मरीज़ को इंजेक्टेबल पर जाना पड़े। दूसरे नंबर पर ये होता है कि ये जो ख़ास सीज़न आ रहे होते हैं जिसमें एलर्जीज़ की वजह से सांस की बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी कुछ ख़ास वैक्सीन्स भी आती हैं, जो कि अगर साल में आप एक दफ़ा लगवा लें तो उससे ये होता है कि आपको पूरे साल में फिर उतनी शिद्दत की तकलीफ़ नहीं होती। चेस्ट कंजेशन बहुत सारी वजूहात हैं। अगर किसी पेशेंट को सिंपल चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि चेस्ट बुखार हुआ, खांसी स्टार्ट हुई, नमोनिया में कन्वर्ट हो गया, तो चेस्ट कंजेशन हो जाएगी। दमे के साथ चेस्ट कंजेशन हो सकती है। कुछ लोगों को सिर्फ सिंपल एलर्जीज़ की वजह से चेस्ट कंजेशन हो जाती हैं। कुछ लोगों को हार्ट बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से हो जाती है। तो चेस्ट कंजेशन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन इसमें खुशकिस्मती से जितने भी कॉजेज़ हैं सारे बड़े आराम से ट्रीट होने वाले हैं। इसमें से कोई भी एक ऐसा कॉज नहीं है जो ला इलाज हो, तो हम बड़े आराम से इनको ट्रीट कर सकते हैं।